नमस्कार, मैं हूं नारेश एस्ट्रोलॉजर और आज का प्रेडिक्शन है मीन राशि के लिए नवंबर 2015 कैसा रहेगा उसके बारे में। सबसे पहले बात करेंगे आपके राशि के अधिपति ग्रह गुरु ग्रह के बारे में, जो चल रहे राशि से छठे स्थान में, जो कि आपके लिए बहुत शुभ है। राजयोग कारक है, रोग एवं शत्रु पर विजय देने वाले हैं, बिजनेस एवं करियर में तरक्की देने वाले हैं। बात करेंगे ग्रह मंडल के राजा ग्रह सूर्य ग्रह के बारे में, जो चलेंगे 16 नवंबर तक राशि से छठे स्थान में अष्टम स्थान के अंदर। अष्टम स्थान में सूर्य का भ्रमण शुभ नहीं है, कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में विशेष केयर करना है। बुध भी चलेंगे 17 नवंबर तक अष्टम स्थान में, जो भी आपको कोई भी गलत डिसीजन दिलवा सकते हैं, तो 17 नवंबर तक कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन ना लें। खास करके आंखों की विशेष केयर करें, गवर्नमेंट रिलेटेड मैटर में केयर करें। 16 नवंबर के बाद का जो समय है आपके लिए शुभ है, खास करके इस मंथ के दौरान राहु मंगल और शुक्र का भी भ्रमण जो है राशि से सप्तम स्थान में हो रहा है। दाम्पत्य जीवन में भी पार्टनर के साथ रिलेशनशिप में आपको विशेष केयर करना होगा, डेढ़ सबको केयर करना है इस मंथ के अंदर। वो इस प्रकार है 10, 11 और 12, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे तुला राशि में। तुला के चंद्र राशि से अष्टम स्थान के चंद्र बनते हैं। अष्टम चंद्र में आपको अनजाने पानी से सावधान रहना है, व्हीकल ड्राइव में केयर करना है, कौटुंबिक एवं आर्थिक बाबतों में विशेष केयर करना है। और डेढ़ सबको केयर करना है 19, 20 और 21, जिसके अंदर चंद्र चलेंगे कुंभ राशि में। तो कुंभ के चंद्र जो है वो भी राशि से 12वें स्थान के चंद्र बनते हैं। 12वें चंद्र में कोई भी इम्पोर्टेंट डिसीजन आपको नहीं लेना है। यदि आपके कोई मित्र है मीन राशि वाले तो ये वीडियो आप उनको जरूर शेयर करें। सोशल मीडिया के माध्यम से आप अपने मित्रों के साथ शेयर कर सकते हैं। अपनी सोशल मीडिया की साइट के ऊपर भी वीडियो आप शेयर कर सकते हैं। कॉमेंट्स करें चैनल पर, कॉमेंट्स करिए वीडियो पर, सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।